स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बजट, बजट 2022-23 निर्मला सीतारमण के पिटारे से निर्मल बजट कैसा रहा ये देखने वाली बात होगी। चौथी बार उन्होंने अपने वित्त मंत्री रहते हुए बजट पेश किया, ये चौथा बजट है उनका। और हम बजट के अगर खास बातों पे गौर करें तो क्रिप्टो करेंसी पर जो कमाई होगी उस पर 30% आपको टैक्स देना होगा। अगर रेड में कोई पैसा नकदी में मिलता है वो सरकार जब्त करेगी। किसी भी तरह का स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स पेयर है और आप इंतजार कर रहे हैं कि हमें टैक्स में राहत मिली है, वो उम्मीद नहीं है। 5G इसी साल आएगा। 80 लाख प्रधानमंत्री आवास में घर मिलेंगे, जिसके लिए 45,000 करोड़ रुपए मुकर्रर किए गए हैं। साथ ही डिजिटल करेंसी RBI के माध्यम से भी सरकार लेकर के आएगी। ई यूनिवर्सिटी का प्लान है, LIC का जल्दी IPO आ सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप जन टीवी की स्क्रीन पे देख सकते हैं। खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर सकेंगे उसको बढ़ावा देने का काम किया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये जो इसके लिए राशि वितरित की है, ये बहुत बड़ी बात है। 60 लाख लोगों को नौकरियां देने का काम है। नेशनल हाईवे का विस्तार करने का जो काम है, जिसे और आप देखिए कि GDP भी 9.27% बढ़ाने की, मतलब ये रखने की ये प्लानिंग की है। पूंजीगत देखिए, स्टेट्स को, राज्यों को, यदि उनका जो है GST में घाटा होता है तो बिना ब्याज 50 वर्ष तक के लिए कर्ज देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये पूंजीगत व्यय जो है उनके लिए, उसमें भी सहायता देने की जो बात की है, ये स्टेट्स के लिए बहुत बड़ा एक लाभ का मामला है। बैंकों में ऋण में वृद्धि करने की बात की है, निर्यात में वृद्धि करने का जो प्लानिंग इन्होंने किया है। ये देखिए, रोप वे, ये पर्वतमाला प्रोजेक्ट में 60 किलोमीटर लंबे रोप वे के लिए 44,650 करोड़ रुपए की व्यवस्था इन्होंने की है। LIC में IPO आएगा, कृषि विश्वविद्यालय नई जो उसमें खोज होगी। मदन जी, ये उम्मीद थी कि इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, उसमें नहीं है, लेकिन पेंशन उसमें जो आय है उसको छूट दी गई है पूरी की पूरी। यानी जो सरकारी कर्मचारियों के अलावा जिनको भी पेंशन का लाभ मिलता है, सरकारी कर्मचारियों को भी और बाकी लोगों को भी, उसमें पूरी छूट दी है। और नए प्रोजेक्ट में देखिए, एक वर्ष और बढ़ाया है। पहले जो टैक्स लेते थे उसमें और बढ़ा दिया नए प्रोजेक्ट्स में, वो उसमें भी देखिए एक वर्ष और, यानी उनको छूट, टैक्स छूट, ये सब उन्हीं को तो लाभ मिलने वाला है। फिर देखिए सस्ता कितना किया है, छाता सस्ती करी है, विदेशी जो मशीनें आएगी उनमें छूट दी है। इसी प्रकार से चमड़ा उपकरण और कपड़ा, ये कृषि उपकरण, ये गहना, ये हमारे साथ में जो आए हैं हमारे जो पैनलिस्ट है, उनको भी खुशी होगी कि आप गहना खरीदेंगे तो उसमें भी उनको राहत दी गई है। इमिटेशंस जो ज्वेलरी है उनमें राहत दी गई है, सभी राहत। ई वाहन, इलेक्ट्रॉन, ये जो वाहन जो होंगे उसके चार्जर जो जगह जगह, देखिए आज डीजल पेट्रोल की बहुत बड़ी समस्या है, और उसके लिए आप इलेक्ट्रिक वाहन जो वो निकलेंगे वो उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, जगह जगह चार्जर की व्यवस्था करिए, मोबाइल सस्ते होंगे। अभी वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, मैं सारिका सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारिका जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ योगेंद्र जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ जी। सारिका जी, पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं आपको, आप कांग्रेस से ताल्लुक रखती हैं, क्या किस तरह का बजट माना जाए इसे? सर, बजट हम सब इतनी देर से सुन रहे हैं, सुबह से लेकर के, और बहुत सारी आशाएं, जैसा कि इस सरकार से आशा रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2014 के बाद में सिर्फ जनता को लूटने का प्रयास करने वाली सरकार ही है। बट हम कोशिश कर रहे, हम ये सोच रहे थे कि क्या पता, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर हैं, तो सरकार कुछ ना कुछ ये मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए, मध्यम वर्ग के जीवन को कुछ आसान करने के लिए कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन आप देखें तो सारा का सारा जो फोकस है बजट का, वो पूरा फोकस पैसे वाले लोगों की आय किस तरीके से और बढ़ाई जा सकती है, ये पूरा का पूरा फोकस उसी के ऊपर है। सबसे बड़ी बात तो महिलाओं को लेकर के और जो मध्यम वर्ग है, जो हमारे देश का बहुत बड़ा तबका है, उसको लेकर के जो उम्मीद इस बजट से की जा रही थी, कि अभी मेरे साथी BJP के प्रवक्ता जो ये कह रहे थे कि मैं महिला हूं, मैं खुश होंगी कि गहने सस्ते हो गए हैं। महोदय, मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि गहने तो जब मेरे परिवार को खाना मिलेगा, मेरा किचन चलेगा,
मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे तब मैं गहने की बात पे सोचूंगी, तो सबसे पहले तो हमें वही चीज देखनी चाहिए जी। महंगाई को लेके कुछ लग रहा है इसमें कुछ राहत मिल सकती है? नहीं सर, नहीं, महंगाई को लेकर के इसमें सबसे बड़ी बात तो अगर ये जीएसटी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में अगर लेते हैं तो हम कुछ उम्मीद करते हैं कि उसको ये कवर कर पाएंगे और महंगाई कुछ हद तक ये कम कर पाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, इनका बजट सिर्फ और सिर्फ हमेशा से जैसे ये हम दो हमारे दो के ऊपर ही चलते हैं, वैसे आज का ये जो पूरा बजट है ये सिर्फ इसी बात पर फोकस कर रहा है कि किस तरीके से जो पैसे वाले लोग हैं उनको और अधिक फायदा पहुंचा सके। आप डिजिटल की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, हम इस पे किस तरीके से ज्यादा टैक्स वसूल करें। टैक्स वसूल ऑलरेडी सरकार के पास में तो बहुत सारा फंड पड़ा है, अभी जनवरी है, 2 महीने और है। कोरोना के बाद में जो हमारी स्थिति इतनी ज्यादा डावाडोल है, अर्थव्यवस्था डावाडोल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये ज्यादा से ज्यादा अगर जोर देंगे तो नौकरियां जनरेट होंगी। कहीं नौकरियों की बात ये नहीं कर रहे हैं, 1 करोड़ नौकरी की बात करी, 16 लाख पे आ गए। मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ, पुरानी वाली का हिसाब तो दीजिए आप। आंकड़ों पर एक दिन मेज थपथपाने के लिए आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, पुराने आंकड़ों का क्या हुआ? आप 1 साल में 1 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं हम 16 लाख नौकरियां देंगे। अरे भाई, जब तक आप मार्केट के, आपके पास में पड़ा है पैसा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डालिए, आप बाजार में पैसा डालिए, तब जाकर जब मेघवाल साहब कुछ बोल रहे हैं तो जी। हाँ, एक तो ये कि जो कोई भी किराया बढ़ाया नहीं है, दूसरा ये जो आप प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं वो घटाया है, पहले से अभी कम हुआ है। इस बजट की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बजट से पहले ही कम हो गया था। 50 रुपए का आपको पता है? नहीं, बजट अभी केवल 10 रुपया है बहन जी। आपको सरिता जी, आपको पता नहीं, जाते नहीं हो आप प्लेटफॉर्म टिकट खरीदते नहीं हो, आप प्लेटफॉर्म टिकट खरीदोगे पता चल जाएगा। पहले तो कितना, अभी कम कर दिया, 10 रुपया ही है, पहले आपके 50 रुपये था। नवंबर के बाद प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता हो गया, 10 रुपए ही है, परंतु अभी मैं सरिता जी को बताना चाहता हूँ, ये सरिता जी भूल रहे हैं इस बात को। सर, नवंबर के बाद में हो गया, आप उससे पहले की बात करें ना। आप पहले ज्यादा था, नवंबर के बाद कम हुआ है। मैं तो लेता हूँ प्लेटफॉर्म टिकट, आप लोग लेते नहीं हो। मैं एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क जो सुदृढ़ कर रहे हैं इस बजट के अंदर, ये भी आप मेघवाल साहब को मैं बताना चाहता था कि आप शायद, बाकी तो आपने देखा कि 400 जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत वो नया जो ट्रेनें बढ़ाएंगे और इसके अलावा ट्रैक विस्तार होगा, नए ट्रैक्स बनेंगे, और आपने जो एक बात मैं मेघवाल साहब से जानना चाहूंगा, रेलवे के बड़े अधिकारी रहे हैं, बहुत बजट से इनका बहुत ताल्लुक पड़ रहा है और एक एक चीज को बहुत बारीकी से जानते हैं। नॉर्थ हमारा जो वेस्टर्न जोन जो बना नया रेलवे का, उसमें भी बड़ी भूमिका इनकी रही। सर, मैं एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, 2030 तक के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए रेलवे के लिए पिछली बार बजट में मुकर्रर किए गए थे, यानी कि दिए गए थे, क्या ये 3 साल का जो प्रोजेक्ट कहीं ऐसे तो नहीं है कि उसमें मिक्स कर दिया जाएगा कि 1,00,00,000 करोड़? बड़ी स्मार्टनेस होती है बजट को बनाने के अंदर। के बजट तो वैसे तो बनना चाहिए ऐसा कि आम आदमी के भी समझ में आए, ये तो खर्चे और आमदनी का एक डिटेल है कि पिछले साल क्या हुआ और अगले बार क्या करने वाले हैं, परंतु जो अभी इन्होंने बताया है कि हम लोग अगले बजट का जो ब्लू प्रिंट 25 साल के लिए बना रहे हैं और 25 साल में बनाएंगे, तो ब्लू प्रिंट जब आएगा तब अपने को पता लगेगा। मगर मेरा ये मानना है कि इस बजट के अंदर इनको जो पुरानी परियोजना है उसके लिए पैसा देना चाहिए, क्योंकि रेलवे का बजट तो अभी सेपरेटली अलग से आएगा, अभी अगले 5-7 दिन में पेश होगा, तो नई परियोजनाओं के ऊपर इनको विराम लगाना चाहिए, पुरानी परियोजनाओं के लिए धन देना चाहिए। प्रदेश में भी पुरानी परियोजनाएं बहुत पेंडिंग है, इससे क्या होगा कि महंगाई भी घटेगी और नए रोजगार भी आएंगे। और दूसरा ये मैं अभी जिक्र कर रहा था कि बैकडोर एंट्री से डेवलपमेंटल चार्जेस के नाम से किराया भाड़ा बढ़ाने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महंगाई हमारे देश में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और ये एक प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि बजट में उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया और इसके बाद 15-20 दिन के बाद में पीछे से किराया और भाड़ा दोनों बढ़ सकते हैं। एजुकेशन से जुड़ी हुई है, मैं एक बात जानना चाहूंगा, यहाँ पे अभी ई यूनिवर्सिटी की बात की है, वन फैमिली वन चैनल, वन कैटेगरी वन चैनल की बात, 200 चैनल एजुकेशन, आपकी जो स्टेट लैंग्वेज है उसके जरिए आप अपनी सीख सकेंगे, ये कुछ एक ठीक दिशा में कह सकते हैं? टाइम लग सकता है, लेकिन आपको लगता है कि इसकी आवश्यकता थी?
देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज कोविड के बाद में 2 साल से जब हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई है और मध्यम वर्ग और बहुत सारी जो तबका, हम अभी लेटेस्ट के जो सर्वे हैं उसमें देख रहे हैं कि 20% जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं उनकी आय है जो 53% घट चुकी है। सही है कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर आप ये जो ई लर्निंग ला रहे हैं उससे पहले ये जरूरी है, ई लर्निंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करने की जरूरत है। आप ई यूनिवर्सिटी बना रहे हो उससे पहले आप उन चीजों का 30% डिजिटल इंडिया कर रहे हो और उसके ऊपर आप 30% टैक्सेस ले रहे हो। आप जिस भी तरीके से जो भी चीजें, जो भी योजनाएं ला रहे हो उनसे उनके जड़ में यही चीज है कि किस तरीके से आप लोगों को अपने दोस्तों की जेब भर सकते हो। और बीजेपी का ये बजट बिल्कुल उसी तरीके से, दोस्तों वाला टैग खत्म नहीं होगा अभी, जाहिर सुना नहीं मुझे, मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों वाला टैग अभी खत्म नहीं होगा, बजट में भी इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है क्या आपको? सर हर जगह है, आप पूरा देख लीजिए, आप पूरा का पूरा बजट को टैली करिए। मध्यम वर्ग कहीं है ही नहीं, हम जैसे गरीब लोग हैं ये उम्मीद कर रहे थे कि आप टैक्स में हमें बचत दे, सारा का सारा मध्यम वर्ग को निचोड़ने की ये कोशिश करते हैं आप। अभी मेरे साथी महोदय ये कह रहे थे कि रेल किराए के अंदर कोई किसी तरीके की वृद्धि नहीं, आप 2014 से सर उठा के देखिए, आपके सरकार ने 205% तक रेल किराए में बढ़ोतरियां कर दी है, प्लेटफॉर्म टिकट में बढ़ोतरियां कर दी है, माल भाड़े में आपने बढ़ोतरियां कर दी है, तो जनता की जेब में कमाई में तो आपने हर जगह कमी करी है और आपने हर जगह अपने किराए बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए। आप डिजिटल, अभी मैं शिक्षा से जुड़ी हूँ, बिल्कुल मैं आपकी बात जान रही हूँ जी, एक सेज की जगह दूसरा कानून लेकर के आएंगे, एक ये बात भी अनाउंस हुई है, तो इसके क्या रिव्यू, ऑफ कोर्स रिव्यू होगा ये? सर सुना नहीं मुझे, मदन राठौर सर इकोनॉमिक जोन का पूछ रहे हैं ये आपसे, राठौर साहब आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, सेज की जगह पर नई पॉलिसी लाएंगे, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जगह पर। अब जैसे कृषि, कोई किसान के अपने खेत के अंदर कोई उद्योग लगाना चाहता है तो उसको अनुमति मिलेगी, वहां पर भी वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा और वहां पर भी वो अपना उद्योग स्थापित कर सकेगा। इस प्रकार का यानी औद्योगिक ट्रांस जो एक इसको रूपांतरण जो बोलते हैं उसमें उनको राहत मिलेगी, ये उनका कहने का मतलब है। इस प्रकार की एक नई पॉलिसी वो जो आने वाली है वो अभी आएगी, आने वाली है, जैसे अभी आने वाली चीजें कब आएंगी पता नहीं, राजस्थान में तो ये घोषणा की बात है, जो अभी घोषणा की है कि सेज की जगह पर नई पॉलिसी जारी करेंगे, उसके बारे में इन्होंने पूछा था, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। आज भी आपको मदन जी एक बड़ी खबर जयपुर से जुड़ी, थोड़ी पॉलिटिकल खबर है ये, बीजेपी की महापौर ग्रेटर जयपुर सौम्या गुर्जर की बहाली को लेकर के एक बड़ी खबर कह सकता हूं कि हाईकोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, जब तक उनकी न्यायिक जांच चलेगी तब तक उन्हें बहाल किया जाएगा, उनके कार्रवाई पर रोक रहेगी, किसी भी तरह की उन पर कार्रवाई प्रभावी नहीं रहेगी। तो चले इससे हमारे योगेंद्र पंचोली हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मैं एक बार उनके पास में जाऊं। योगेंद्र आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए तो जयपुर से एक बड़ी खबर हम वापस लौटेंगे। चलिए निसार अहमद साहब हमारे साथ में जुड़ गए इस वक्त, निसार जी मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन एक बड़ी खबर सौम्या गुर्जर के लिए राहत की खबर कही जा सकती है, और हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। योगेंद्र आप सुन पा रहे हैं? निसार साहब जी सर, जी सर, एक बार की हम बात करें क्योंकि एक दिन पहले हमने काफी डिटेल डिस्कशन किया था, मध्यम वर्ग को बड़ी उम्मीद थी और उसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, तो क्या मानना है अभी? वैसे तो देखिए बहुत सारी डेप्थ में जब चीजें आएंगी तो ये कहें कि परते खुलेंगी अभी, लेकिन अभी हम उन पर चर्चा कर रहे हैं जो सामने हमारे को अनाउंस, उन्होंने जो बोला हमने सुना और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो अभी एक बार के लिए कैसा माने इस बजट को? जी जी फिर से पूछेंगे सर जी, करिए आप। नहीं जो स्पीच है बजट स्पीच, उसमें तो बहुत ज्यादा ऐसी जानकारियां बजट के बारे में नहीं दी गई कि बजट में का जैसे इनकम कितना होने वाला है, एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, बहुत डिटेल्स तो उसके दिए नहीं गए, लेकिन हाँ, लेकिन जहां तक वो मध्यम वर्ग वाली बात है तो मध्यम वर्ग की तो जो अपेक्षाएं रही होंगी टैक्स से संबंधित, उनमें तो कोई बदलाव हुआ नहीं,
कुछ क्रिप्टो करेंसी की के रेगुलेशन की बात थी, तो रेगुलेशन तो मतलब रेगुलेशन की बात तो सुनी नहीं, लेकिन हाँ उस पर टैक्स आएगा लगेगा। उस तरह से अगर वो थोड़ा रेगुलेट होता है टैक्स लगाने से तो अच्छी बात है, लेकिन उसको रेगुलेट करने की जो जरूरत है उसमें जो बार बार हमें सुनने को आता है कि इस तरह के स्कैम उसमें हो जाते हैं, लोगों के पैसे लूट जाते हैं, तो उस पे क्या है वो बहुत स्पष्टता मुझे तो नहीं हुआ। लेकिन वो टैक्स के दायरे में लाएंगे तो एक निसार साहब, लेकिन डिजिटल करेंसी हम खुद भी लेकर के आ रहे हैं, आरबीआई अपनी करेंसी लेके आएगी डिजिटल करेंसी, और आरबीआई अपना खुद का डिजिटल करेंसी लाएगा, तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अभी इस ये जो डिजिटल करेंसी वाला पूरा सिनेरियो है उसको पूरी तरह से रेगुलेट होने में, पूरी तरह से उसको मतलब कोई उसके लिए कोई रेगुलेटर होगा क्या? जैसे हर चीज के लिए एक रेगुलेटर है अपने देश में, तो वो एक आरबीआई होगा, आरबीआई तो इन जनरल इन सब मामलों के लिए रेगुलेटर होता है, तो आरबीआई क्या उसके लिए कोई रेगुलेशंस बनाएगा क्या करेगा, देखते हैं। लेकिन वो टैक्स के दायरे में आएगा तो एक तरह से तो नजर में अब आने आएगा, ये एक बात रहेगी। लेकिन वो एक मिडिल क्लास को जो टैक्स वाला कोई उम्मीद पूरा तो होता हुआ नहीं दिख रहा है कि उनको कोई टैक्स में छूट मिले, ऐसा तो दिखा नहीं। रही बात उन्होंने कुछ स्टार्टअप्स वगैरह के लिए अच्छी बात जरूर कही कि एक साल और बढ़ा दिया तो, और ये कुछ चीजों में का ये इम्पोर्ट आसान हो जाएगा या एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा, तो कुछ सिलेक्ट चीजों का जिनका उन्होंने नाम लिया अभी जो हम लोग सुन पाए, तो ये कुछ एक दो चीजें रख सकते। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि एमएसपी की डिमांड काफी लंबे समय से किसान करते आ रहे हैं, वो तो नहीं, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि एमएसपी पे खरीद को बढ़ावा देंगे, जिसके लिए इन्होंने अभी पूरी तरह से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो बात सामने आ रही है वो वही आ रही है कि 2,37,000 या 35,000 करोड़ रुपए जो है किसानों पर एमएसपी को लेकर भी खर्च होंगे, क्या पूरी क्रॉप को जो 2.37 लाख करोड़ रुपए आपको लगता है कि जो डिमांड थी किसानों की वो काफी हद तक इससे पूरी हो पाएगी? नहीं, उनकी डिमांड तो ये है कि भाई आप गारंटी दो कि जो भी सेल करेंगे, जो भी खरीद कर बेचेंगे तो किसान, वो उस पे एमएसपी में ही बिकेगा और कुछ नहीं बिकेगा, तो उनकी डिमांड तो ये है। अब ये अमाउंट अगर पिछले साल से थोड़ा बढ़ा है तो बढ़ेगा ही वो, तो क्योंकि कुछ चीजों में एमएसपी भी बढ़ेगा, कुछ थोड़ा क्रॉप का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो वो तो पिछले साल कितना था इस साल कितना है वो अलग बात है, लेकिन उनकी जो वास्तविक डिमांड थी वो तो ये चाहते थे कि एक लीगल गारंटी दीजिए कि भाई हमारी बिक्री हमारे उत्पादों की जो है वो इससे कम पे ना होने पाए कहीं पे भी, तो वो वाला डिमांड तो पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर दायरा भी बढ़ता है, अगर उन राज्यों में पहुंचता है एमएसपी जहां पे खरीदारी कम होती थी एमएसपी पे, उन किसानों तक तो पहुंचता है जिन किसानों की के उत्पाद नहीं खरीदे जा पा रहे थे, या उन उत्पादों में पहुंचता है जिन उत्पादों में, वो भी एक राहत है। एक सबसे बड़ी व्यापार का जो एटमॉस्फेयर का अंदाजा उससे लगता है कि आपके पास में इन्वेस्टर्स कितने आ रहे हैं, या आपके पास में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए पैसा कहां से कितना आ सकता है हम, और दूसरी बात हम इंपोर्ट को कम कैसे कर सकते हैं और एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस कैसे कर सकते हैं, वो पॉलिसी कहीं दिखाई देगी आपको इसमें? इसमें वो ऐसा कोई मुझे नहीं लॉन्ग टर्म विजन दिखा उस चीज का कि जो पहले से चली आ रही है वही चीजें हैं, और कुछ चीजों में उन्होंने जरूर कहा कि हम इस पे कुछ घटा देंगे कर देंगे, तो उसमें कोई बहुत स्पष्टता नहीं है। अर्थव्यवस्था अभी जो है वो थोड़ा कठिन दौर से गुजर रही है, और उसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्योंकि एक तरह से आप ये देखिए तो जो दूसरे देशों की भी अर्थव्यवस्थाएं मुश्किल में है, तो हम उस प्रकार से ये कितना एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट रह सकते हैं मुझे नहीं समझ में, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं बता सकता मैं। लेकिन जो हमारे घरेलू जो रोजगार बढ़ाने की बात है, आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट से भी रोजगार बढ़ेगा, लेकिन वो कम छोटा सेक्टर है हमारे, सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में है, उसके बाद लोग मैन्युफैक्चरिंग या दूसरे सेक्टर में है, तो वहां पे रोजगार बढ़ाने के जो कोई ऐसे बहुत उपाय, जैसे शहरों में एक डिमांड है आप बोल सकते हैं, ये तो जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनका हर साल का डिमांड होता है, और ये लेकिन वो एक शहरों में रोजगार गारंटी जैसा कुछ उपलब्ध कराया जाए, कुछ राज्यों ने किया है उड़ीसा वगैरह ने, तो उसकी बात नहीं हुई ऐसी कोई, तो रोजगार पे फोकस वाला भी कोई ऐसा बहुत चीज दिखा नहीं मुझे। चलिए 7 लाख रोजगार की बात कही गई है, वो मिलेंगे कैसे, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटे हैं, बने रहिए आप जन टीवी के साथ। थैंक यू सर।
खबर जो कभी बताती है सच, तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है, खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ, मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार, खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार। हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। सरोकार आपकी हर खबर से, सच के लिए हमेशा तैयार। प्रण खबर सबसे पहले देने का, कसौटी पर खरी हर खबर। सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का। खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार, जुर्म करने को फिर से है तैयार, रात के सन्नाटे को चीरती एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट 2022-23 यूनियन बजट, जिस पर पूरे देश की नहीं दुनिया की निगाहें टिकी होती हैं। यही बड़ी वजह है कि आप देखते होंगे कि सेंसेक्स किस तरह से ऊपर नीचे हिलोरे खाता रहता है, और इसके हिसाब से अगर हम देखें, कहा यह जा रहा है कि सेंसेक्स ने अच्छी छलांग लगाई है। निसार साहब, क्या लगता है आपको कि हम सेंसेक्स से किसी भी बजट के कई पैरामीटर तय कर सकते हैं कि हाँ, सेंसेक्स अच्छा जा रहा है तो बजट बहुत ही अच्छा है? जी सर, अगर आप मेरी राय पूछें तो मैं तो ऐसा नहीं मानता कि सेंसेक्स में क्या हो रहा है उससे हम बजट, वो एक, क्योंकि सेंसेक्स में तो कुछ भी चीजों से उतार चढ़ाव होता है, वो मुझे उसका बहुत ज्यादा भरोसेमंद इंडिकेटर मुझे वो नहीं लगता। लेकिन मैं अभी देख रहा था, गवर्नमेंट ने अब अपलोड कर दिया है बजट डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे, और मैं एक्सपेंडिचर के आंकड़े देख रहा था, और जो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर की, फूड सब्सिडी जो है वो पिछले साल 2,86,000 करोड़ था, उसको अब 2,06,000 करोड़ पे लाया गया है। इसका मतलब कि वो जो एडिशनल 5 किलो अनाज मिल रहा था वो शायद अब कंटिन्यू नहीं होगा यूपी इलेक्शन के बाद, ऐसा हम सोच सकते हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी भी, जो खाद पे सब्सिडी है, मतलब उर्वरक पे जो सब्सिडी है, वो भी 1,40,000 करोड़ था पिछले साल, मतलब इस साल के करंट ईयर के रिवाइज बजट में 1,40,000 करोड़ उसको रखा गया है, और अगले साल के लिए उसको 1,05,000 करोड़ रखा गया। तो ये तो सब्सिडी की बात हुई, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है, उसका बजट 1,48,000 करोड़ से सिर्फ 3,000 करोड़ बढ़ाया गया, 1,51,000 करोड़ हुआ है। उसी तरह से हेल्थ एज अ सेक्टर 85,000 करोड़ से 86,000 करोड़ बढ़ाया है। हेल्थ जिसपे अभी सबसे ज्यादा फोकस, उसमें भी हमें कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है।
रिवाइज बजट भी इसका 74,000 करोड़ था बजट एस्टिमेट इस साल का चालू वर्ष का, वो बढ़ के 85,000 करोड़ हुआ है, लेकिन अगले साल का बजट उस 85,000 करोड़ से 1,000 करोड़ बढ़ाया गया, 86,000 करोड़ बढ़ाया गया। और फिर रूरल डेवलपमेंट जिसकी हम लोग बात कर रहे थे रूरल एरिया में, उसके बजट में भी कोई उसके बजट में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, 2,06,000 करोड़ के 2,06,000 करोड़ है। सबसे ज्यादा जो बूस्ट जिसको बोल सकते हैं वो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, 2,33,000 करोड़ इस साल के लिए रखा गया था, उसको रिवाइज करके 2,25,000 करोड़ किया गया है इस साल के लिए, और अगले साल वो 3,25,000 करोड़ किया गया है रिवाइज करके इस साल के लिए, और अगले साल वो 3,51,000 करोड़ पे रखा गया है। तो ये परिवहन एक सेक्टर है, एक ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है उसका बजट बहुत बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो सोशल सेक्टर के बजट थे जिसको हमें लेके कल बात हो रही थी या जिसमें ज्यादा सबसे ज्यादा मेरी रुचि है, उसमें एक एजुकेशन को छोड़ के एजुकेशन का बजट जरूर 93,000 करोड़ इस साल बजट एस्टिमेट रखा गया था, उसको कोई 1,04,000 करोड़ बढ़ गया, तो मतलब 11,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर तो एजुकेशन को एक छोड़ के बाकी किसी सेक्टर में मुझे बहुत कोई ज्यादा बढ़ोतरी हेल्थ में नहीं दिख रही है, एग्रीकल्चर में नहीं दिख रही है, एनर्जी में नहीं दिख रही है, 48,000 करोड़ की जगह 49,000 करोड़, रूरल डेवलपमेंट में नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, परिवहन में जरूर मैंने जैसे कि कहा आपको एक अच्छा खासा जंप हुआ है जो एलोकेशन हुआ है। नागपुर से कोई कॉलर है एक, वो हमारे साथ में जुड़े हुए इस वक्त, वो एक बार वापस से फोकस कराना चाह रहे हैं कि मेडिकल का जो बजट अभी आप पे बोल रहे हैं वो वापस सुनना चाहते हैं, मेडिकल को लेके हेल्थ का जो बजट है उसको वापस सुनना चाह रहे हैं वो। जी, पिछले साल हेल्थ का बजट जो बजट एस्टिमेट था वो था 74,000 करोड़, इस साल 2021-22 में जो बजट एस्टिमेट था वो था हेल्थ का 74,000 करोड़, 21-22 का रिवाइज एस्टिमेट है 85,000 करोड़, और 22-23 का बजट एस्टिमेट है 86,000 करोड़। तो अगर इस साल के रिवाइज एस्टिमेट से कंपेयर करें तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, अगर इस साल के बजट एस्टिमेट से कंपेयर करें तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इस साल का रिवाइज एस्टिमेट ही जब 85,000 करोड़ अपना हेल्थ सेक्टर का बजट गया है तो अगले साल भी हमें ज्यादा ही जरूरत पड़ेगी। ये कोरोना अभी भी हमारे पीछे है, हमारे हमें इससे पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिला है, और हेल्थ सेक्टर को अभी और मजबूत करने की जरूरत है, तो मैं ये कह रहा था। चलिए, लेकिन पिछले बार का अगर हम बजट की बात करें जिसे कहा जा रहा था कि 137% हेल्थ वेल्थ जो स्लोगन दिया गया था उसमें 35,000 करोड़ रुपए डोज के लिए दिया गया था उसमें वैक्सीनेशन के लिए, तो मुझे लगता है कि वो बड़ा एक बूस्टर था मेडिकल उसके लिए अगर फिगर्स की बात करें तो। जी जी, वो 35,000 करोड़ रुपए इसमें शामिल है ना, मतलब वो हेल्थ सेक्टर का पूरा बजट है उसमें 35,000 करोड़ रुपए शामिल करके जो उसके थे, तो 2022-23 का अगर हम बजट हेल्थ पे जिसपे सबकी निगाहें टिकी हुई है कि हम कोविड काल में और इसको बहुत ज्यादा फोकस किया जा सकता है, तो रिवाइज एस्टिमेट 2021-22 से 1,000 करोड़ रुपए हम एक्स्ट्रा कह सकते हैं फिलहाल। जी, 85,915 करोड़ से 86,606 करोड़ कर दिया जी हेल्थ सेक्टर का बजट, 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का हम कह सकते हैं जी। चलिए, हमारे साथ अजय अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको भी हम एक बार जोड़ना चाहेंगे। अजय जी, जी सर, आपके क्लाइंट से कुछ फोन आ रहे हैं कि सब राहत क्या मिली मुझे? बहुत सारे 100% क्वेरी एक ही चीज आ रही है कि कोई राहत नहीं मिली हमें। और देखा जाए तो इस बजट से काफी उम्मीद थी क्योंकि इलेक्शंस भी थे, स्टेट इलेक्शंस थे, और काफी साल हो गए पिछले 4-5 सालों में गवर्नमेंट ने, आम आदमी की अगर बात करें जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स हैं जिनकी स्लैब रेट, आप एक बार जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि मेरी अपनी एक इच्छा है आपसे जानने की, आप तमाम जो अतिथि बैठे हुए, मैं दूसरी तीसरी बार ये सुन रहा हूं, हम ये सब फोकस क्यों करते हैं कि देश में चुनाव होते हैं तो ही सरकारों की गति बनती है? सर, जब भी कोई सरकार आती है प्रशासन में उनका दो बजट होता है जो मुख्य तौर पे देखने के योग होता है। पहला होता है इनका जब वो इलेक्शन जीत के आती है, विच इज कॉल्ड थैंक्स गिविंग बजट, उसमें सरकार एक प्रकार से अच्छी अच्छी योजनाओं के साथ अपना अपने आप को साबित करना चाहती है। दूसरा जो उनका आखिरी बजट हो जाता है इलेक्शन के मूड से, तो वहां पे एक लार्ज स्केल को पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है पिछले 75 सालों में इस तरह का बजट लाती है जहाँ पे बेनिफिट देना चाहती है वो बड़ी पब्लिक। जी सर,
तो इस बजट से भी काफी उम्मीद थी लोगों को, क्योंकि पिछले 5 सालों में कोई भी ऐसा मिडिल क्लास लोगों के लिए बेनिफिट्स नहीं आए थे। जी, टैक्स स्लैब की अगर हम बात करें, नहीं दिया इन्होंने टैक्स में कोई राहत, लेकिन दूसरी अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ ये जरूर गौर किया है कि हम जैसे इसमें एक कैटेगरी बना दी गई है कि जैसे 75 इयर्स ओल्ड जो थे पहले उनको नई रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता होगी, उसके बाद अब कहा कि दिव्यांगों को भी कुछ राहत मिली है इसके अंदर कि दिव्यांगों को, तो इससे कुछ ही, लेकिन ये कितनी कैटेगरी माने हम, एक नया तबका पे नया जनरेट करते जा रहे हैं आप? नहीं सर, दिव्यांगों के लिए इन्होंने कुछ अलग से नहीं लेके आए, कोई रिटर्न फाइलिंग कैटेगरी उनके लिए अलग से नहीं है। सेक्शन 80U एंड 80DD के अंदर क्या होता है, अगर आप हैंडीकैप हैं या आपके फैमिली में कोई हैंडीकैप है तो उनके ट्रीटमेंट या उनके वेलफेयर के लिए कोई एक्सपेंडिचर अगर आप इंकर करते हैं तो उसकी रिबेट मिलती है, डिडक्शंस मिलती है आपको चैप्टर 6 के अंदर। उसको इन्होंने थोड़ा सा दायरा बढ़ाते हुए इस साल इन्होंने कहा कि आप उनके ट्रीटमेंट वगैरह के एक्सपेंडिचर के अलावा अगर आप उनके लॉन्ग टर्म प्लानिंग में अगर आप कोई लमसम अमाउंट या कोई एन्यूटी अमाउंट, क्योंकि हर हमेशा आप उनके साथ रहें जरूरी नहीं है, तो आप उनके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि सर मैं रहूं ना रहूं, मेरे बच्चे को जो दिव्यांग है या जो मेरे परिवार को दिव्यांग है तो उनका टेक केयर होता रहे, उसके लिए आप एक एन्यूटी प्लान बना लिया, उसको उन्होंने उस दायरे में लिया जो बहुत एक अच्छी चीज है। नहीं, दिव्यांग के परिजनों को टैक्स में छूट दी है। राठौर साहब आपके पास आ रहा हूं मैं अजय जी, एक बात जानना चाहूंगा, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि आईटीआर में अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो 2 साल में उसे करेक्ट करा सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा कि वो गड़बड़ी तो क्या होती है और इसे दुरुस्त करने के लिए क्या आप रास्ता देंगे उसे? सर, हम जब भी आईटीआर फाइल करते हैं तो बोलते हैं हम अपने कुछ इनकम, जैसे अभी पिछले 2-3 सालों में देखा गया है कि लोग अपने क्रिप्टो करेंसी इनकम्स को डिस्क्लोज करना भूल गए, तो वहां पे एक ओमिशन आपको मालूम चलता है कि हाँ आपके क्रिप्टो करेंसी इनकम भी टैक्सेबल थी, तो वो एक करेक्शन आप कर सकते हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट किया, आपको 30% कर ही दिया उसे, तो लीगलाइज करने के लिए 30% कर ही दिया उस पे, आप टैक्स दे करके उसे अपनी लीगल उसमें इनकम में मान सकते हैं उसे, बिल्कुल 30% कर दिया। लेकिन सरकार ने यह भी कहा कि सर आप अगर आप उस ओमिशन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो आप अपने आईटीआर को अगले 2 साल तक, असेसमेंट ईयर क्लोज होने के बाद 2 साल तक आप रिवाइज कर सकते हैं। इस रिवाइज में सरकार ने एक कंडीशन जरूर दे दिया कि आप रिवाइज तभी कर सकते हैं जब सरकार को बेनिफिट हो रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है, सरकार ने यहाँ पे एक अपना क्लोज कर लिया विंडो यहाँ पे आके। जी चलिए, भगवान सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी। सर, डिफेंस को लेके काफी दावे किए जा रहे थे मेक इन इंडिया भी, और हम ये कह रहे हैं कि 68% मेक इन इंडिया के जरिए ही अब डिफेंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा उस पे गौर किया जाएगा, डीआरडी को मजबूत किया जाएगा, रिसर्च बेस को बढ़ाया जाएगा, तो वो सारा कुछ है इसकी सर? देखिए, चूंकि फिगर्स तो आए नहीं है कितना इन्होंने पिछली बार जो अलॉटमेंट किया था, प्रोबेबली होपफुली उससे बढ़ाया होगा, पिछली बार इन्होंने 4.78 लाख करोड़ का प्रोविजन किया था, तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर अबाउट 25,000 करोड़ रुपीज का था। अब की बार ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक इन्होंने जो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जोर दिया है, तो उसमें अब कितना अलोकेशन किया है उन्होंने उसका 68% और 65-68% तकरीबन वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जो प्रोक्योरमेंट किया जाएगा वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से किया जाएगा, दूसरा जो एकेडेमिया और जो स्टार्टअप्स है वो इंडस्ट्रियल बेस बनाने के लिए या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, डिफेंस जो डिफेंस के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए स्टार्टअप्स को इंसेंटिव दिया जाएगा, और उनको जो इंसेंटिव दिया गया है उसके मुताबिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को और स्टार्टअप करने वाले या जो भी कोई इसमें वेंचर कैपिटल लगाएंगे उनको बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन बेसिक चीज ये है कि इसमें कितना एलोकेशन किया है, आपके पास है क्या? क्योंकि 3.85 लाख करोड़ सर डिफेंस का, ना डिफेंस का पिछली बार 4.78 लाख करोड़ था, तो उससे तो कम थोड़ी होगा। पिछले साल जो दैट इज आई थिंक 1920 ईयर्स में 4.71 लाख करोड़ था, उसको बढ़ा के 6% उन्होंने बढ़ाया लास्ट टाइम, तो होपफुली दिस ईयर ऑल्सो थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहिए उन्होंने। चलिए, एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा भगवान सिंह, जैसे आपने कहा कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी, और इन्होंने कहा कि 25% मेक इन इंडिया रिसर्च उस पर खर्च होगा जो बजट है उसका,
तो इस ओर हम मान सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ेंगे। Yes, yes, that definitely. ये तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने जो बैंड जो लिस्ट लगाई है पिछली बार 101 से स्टार्ट किया था, उन्होंने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया है यूपी और तमिलनाडु में, और उन्होंने जगह जगह नोड्स बनाए हुए हैं। तो वो इनिशियल तो उन्होंने जो कदम उठाए हैं वो अच्छे कदम उठाए हैं और उसमें काफी काम हो भी रहा है। लेकिन बात यह है कि जो R&D है, बेसिक जो इनकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो R&D के ऊपर होता है। R&D का बेस ही हमारा नहीं बना है अभी तक। अभी आप जो DRDO जो काम करता है वो दो चार उन्होंने मिसाइल्स ले लिए और कुछ गन्स ले ली, और उसके बाद में उनकी कोई बाकी जो डिफेंस पे थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स आर देयर, इनकी इन्वेंट्री इतनी लंबी चौड़ी है कि आप उसके लिए देखो चार डिफेंस PSUs हैं वो काम करते हैं, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वगैरह वगैरह। तो ये सारे के जो सेंट्रलाइज्ड R&D के लिए प्रोविजन किया जाए वो कितना परसेंट GDP का या कितना परसेंट बजटरी एलोकेशन का है, उससे पता चलेगा कि आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, कैपेबिलिटी तो उससे पता चलेगा ना। चलिए मदन राठौड़ साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सुन रहा हूँ। अभी हम सुन रहे थे और बड़ा हेल्थ का जब इश्यू आया और निसार साहब जब बता रहे थे तो नागपुर से भी किसी कॉलर ने फोन करके पूछा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उनसे भी, कोसों दूर जन टीवी को देख करके पूछ रहे हैं कि मेडिकल एंड हेल्थ पे मैं सुन नहीं पाया ठीक से, अगर आप वापस बता सके तो। इन्होंने वापस भी बताया सर बहुत ज्यादा इजाफा नहीं कर पाया जिसको लेकर के हम कह रहे थे कि इस सेक्टर को काफी कुछ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हम दो साल से इससे जूझ रहे हैं। देखिए जी राठौड़ साहब चले राठौड़ साहब क्योंकि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं केएल बैरवा साहब के पास में जाना चाहूंगा एक बार। बैरवा साहब आपके पास आना चाहूंगा, हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रेन से जोड़ने की, हवाई कनेक्टिविटी को हम जोड़ने की बात कर रहे थे पिछले बजट में, यानी कि 21-22 के बजट में। अभी ट्रेन को लेकर के क्रॉप उनकी सब्जियां खासकर बड़ी चिंता जाहिर की थी प्रधानमंत्री जी ने भी और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी, डिटेल में तो जब आएंगे बात सही है कि तब देखेंगे, लेकिन अभी कुछ कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर को ट्रेन कनेक्टिविटी से जोड़ने की कोई बात आ रही हो कुछ, या फिर जो कॉरिडोर्स ऑलरेडी है जो प्लान कर रहे हैं वो उससे जोड़ने की बात आ रही हो? बैरवा साहब सुन पा रहे हैं मुझे? बैरवा साहब राठौड़ साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं जी। मेडिकल एंड हेल्थ को लेकर के जो हम बात कर रहे थे बहुत ज्यादा इजाफा नहीं है उसमें, रिवाइज एस्टीमेट से लगभग 1000 करोड़ इस बजट में बढ़ा है, बस इसका बजट एलोकेशन जो 1000 करोड़ बढ़ाया है जी, 1000 करोड़ बढ़ाया है। और आयुष्मान भारत के तहत आम नागरिकों को किस प्रकार से और इलाज में सुविधाएं मिलेगी ये सब अलग से व्यवस्थाएं हैं वो उसको इसमें, और इसके अलावा भी आप राठौड़ साहब मुझे जो लगता है कि वो सारा इसी में होगा, क्योंकि बजट एलोकेशन तो आप चाहे उसी विभाग की उसी मंत्रालय विभाग जो भी अगर आप एडिशनल कोई भी सुविधा दे रहे हैं तो वो उसी में जाएगा। नहीं आम ये इसका एक सिस्टम दूसरा है, इसका सिस्टम है कि आप बीमित किया गया है हर नागरिक को और उसको बीमा कंपनी को उसका पेमेंट हो रहा है पर डे हो रहा है और उसके माध्यम से आम नागरिक का इलाज हो रहा है। तो वो व्यवस्थाएं जो है वो कोई वो बीमा कंपनी को जो दिया जा रहा है बस वही प्रीमियम है, इसके अलावा कोई भी उसमें नहीं देना पड़ता है। और जो इलाज करवाना पड़ रहा है तो बीमा कंपनी उसमें भुगतान करती है उस हॉस्पिटल को, जो आयुष्मान भारत से जो जुड़ गए हैं जो अस्पताल जिनको एफिलेटेड किया गया है वो उनको बीमा कंपनी पेमेंट करेगी। तो बड़ा इलाज आम नागरिक को बड़ी बीमारी का भी इलाज करने की सुविधाएं उसमें उपलब्ध होगी, इस प्रकार की व्यवस्था की गई। अब मैं एक दूसरी बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने में से जितने भी पैनलिस्ट है वो सब कह रहे हैं साहब टैक्स स्लैब में हमको राहत नहीं दी। अरे टैक्स स्लैब तो वही है लेकिन आपको लाभ कितना दिया, फायदा कितना हुआ, सस्ता कितना हुआ। अब ये कह रहे हैं सारिका जी कह रही थी कि बड़े बड़े घरानों को लाभ मिलेगा, अरे MSME का जो लाभ है वो मिडिल वर्ग को मिलेगा। MSME जो है
वो या आज ई व्हीकल जो जारी निकलेंगे उसके लिए चार्जर लगेंगे जगह जगह, वो मीडियम क्लास के व्यक्ति को ही उसका लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार से छाता है, ये आपके मोबाइल है, उसके चार्जर हैं, वो गहने हैं छोटे मोटे, ये जो आपके विदेशी मशीनरी जो हिंदुस्तान में, ये सब किसका है? मध्यम वर्ग को ही लाभ मिलने वाला है, इससे बड़े घरानों को लाभ नहीं मिलने वाला है। आप पता नहीं क्यों पूर्वाग्रही होकर के इस प्रकार की डिबेट में आप बोलते हैं। नदियों को जोड़ने का जो मिलेगा, आम किसान को लाभ मिलेगा, एमएसपी जो पैसा दिया है ये मध्यम वर्ग के किसान को लाभ मिलेगा। आज आंगनवाड़ी का लाभ है, ड्रोन जो है जिससे कीटनाशक का छिड़काव होगा, राठौर साहब किसान को लाभ मिलने वाला है। सारिका जी पूछ रही है आपसे, मदन राठौर साहब सारिका जी कुछ पूछ रही है आपसे। जी सारिका जी, मैं सर मैं आपके मंच के माध्यम से ये पूछना चाह रही हूँ कि 2014 से लेकर अब तक हर साल बड़ा लंबा चौड़ा बजट ये इस तरीके का हिडन बजट प्रस्तुत करते हैं जिसमें कुछ समझ आने की बातें लंबी चौड़ी नहीं है। ये अब आपने एक साधारण सा सवाल पूछा कि स्वास्थ्य के ऊपर क्या किस तरीके के प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, ये कहाँ से आयुष्मान भारत की और कहाँ से स्किल इंडिया की बात इसमें आ जाती है। दूसरी बात, हमने देखा आयुष्मान भारत इलाज से संबंधित है सारिका जी, आपका इतना बड़ा बजट एलोकेशन है उसकी स्थिति हम हिंदुस्तान में देख चुके हैं, कि किस तरीके से कितना स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर आपकी सरकार ने पिछले 6-7 सालों में इन्वेस्टमेंट किया है और कितना ये वैक्सीन दी सारिका जी, इतना वैक्सीन दिया 150 करोड़ नागरिकों को और वो वैक्सीन मिली, फ्री वैक्सीन मिली, ये आपको नहीं लग रहा है? आप उसे अनदेखी क्यों कर रहे हैं? नहीं, फ्री वैक्सीन मिली उसको अनदेखी क्यों कर रहे हैं आप? सर सुनिए, अनदेखी करने की बात नहीं है सर, आप गलत डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं। आप गलत डेटा प्रस्तुत करके आपके मंत्री पार्लियामेंट में गलत बातें लोगों को बता करके गुमराह कर रहे हैं। 150 करोड़ लोगों को नहीं मिला, कैसी बातें कर रहे हैं सर? हम देखिए, हम यहाँ पर ये आपसे पूछने आए हैं कि आपने ये बोला कि छाता सस्ता है, चार्जर ये है ये है। मैं एक महिला और एक शिक्षा से जुड़ी हुई होने के नाते मैं 2-3 सवाल ये पूछती हूँ कि आप ये बताइए कि हिंदुस्तान की जो बहुत प्रतिशत जनसंख्या है, सामान्य जनसंख्या है, सबसे पहले तो ये बताइए कि डायरेक्टली कोविड के टाइम पे सीधे सीधे उस जनता को रिलीफ देने के लिए इस बजट में क्या है। दूसरी चीज, मैं महिला होने के नाते ये पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं को जो वो वेदना भुगत रही है, चाहे कोविड में उनके परिवार के लोग गए हैं, चाहे उनके इलाज पर उनका पैसा बहुत खर्च हुआ है, चाहे महंगाई की वजह से उनको घर चलाने में दिक्कत हो रही है, चाहे उनके बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो पढ़ाई प्रभावित हो रही है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उन महिलाओं के लिए इस बजट में आप मुझे 2 लाइनों में बताइए कि सीधे सीधे सरकार ने क्या किया है। तीसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ हमारे देश के किसान के बारे में। मोदी जी ने अभी 1 महीने पहले आकर के और घोषणा की कि हम हमारे कानूनों को वापस ले रहे हैं, उन्होंने वापस ले ली और बहुत उन्होंने, क्योंकि उनको लेना पड़ा। अब मैं ये चाहती हूँ कि सीधे सीधे आप ये बताएं कि हम कृषि के ये सस्ते कर रहे हैं, वो सस्ते कर रहे हैं, आप ये बता दीजिए 2 लाइनों में कि इस बजट से हमारे किसान भाइयों को उनकी आमदनी पर किस तरीके से फायदा होने वाला है, क्या उनको फर्टिलाइजर सस्ती मिलने वाली है, क्या उनकी उपलब्धि का स्तर रहेगा, क्या उनको पेस्टिसाइड्स कैसे मिलेंगे, उनको अपनी उपज बढ़ाने के अंदर क्या सहूलियतें सरकार के द्वारा की गई है। मुझे आपसे सिर्फ यही निवेदन है, मैं यही पूछना चाह रही हूँ आपसे। अब आपको मैं जवाब दूं, आप सुनिए, देखिए एमएसपी बढ़ेगी और एमएसपी में पैसा दिया, ये किसान को फायदा है। अब आप सुनिए ना, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, अब आप सुनिए, किसान कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन मिलेगा, ये किसान को फायदा है, छाता सस्ती हो रही है, मैं और किसान को कृषि उपकरण में टैक्स में रिबेट दी गई है, बाहर से कोई आयात करता है उसमें और कस्टम ड्यूटी में उसमें लाभ मिला है। यही नहीं, आप महिलाओं के लिए पूछ रही थी, कपड़ा सस्ता होगा, जेवर आपके इमिटेशंस जो है जेवर सस्ते होंगे, आप पूरा सुन तो लीजिए, आप सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे मैं जवाब दे पाऊंगा।